देखिए क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट 5 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर राउंड ब्रैकेट है, 2 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। देखिए आपको चेक करना है कितने ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट इधर हो गया इधर मुकर के, कितने 2, 3 और 4, इधर के चेक करिए 1, 2, 3, 4, ठीक है प्रॉपर ब्रैकेट है। अब देखिए सबसे अंदर कौन सा, ये है सबसे अंदर है 2 - 4 होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे 5, 2, 2 - 4 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं अलग। देखिए 2 - 4 का होल स्क्वायर है, ये कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर आएगा। -2 का होल स्क्वायर मतलब है -2 × -2, 2 × 2 ये आ गया 4, -×- प्लस करेगा तो ये पूरा ओपन करने के बाद ये आया 4 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, ये रहा 2 × 2 तो इसका आंसर आएगा ओनली 4, जो ये स्क्वायर था ये हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। -2 का होल स्क्वायर है तो -2 × -2 तो ये आ गया 4, यहाँ लिखेंगे 4 + 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज -1 फिर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब देखिए 5 ये भी ऐसे ही आएगा, अब कौन सा ब्रैकेट अंदर, ये वाला है 7 + 4 11, इसका मतलब क्या होता है बाहर मल्टीप्लाई है 2 × ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया 11 आया, तो 2 × 11 + 3 ब्रैकेट क्लोज -1 फिर ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। अब देखिए 5 11 2 = 22 + 3 ब्रैकेट क्लोज -1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, फिर क्या करेंगे ये ऐसे ही आएगा नीचे 5 22 + 3 25, इसका मतलब है 5 × ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर आया 22 + 3 तो 5 × 25 -1 होल स्क्वायर। अब देखिए 25 5 जा कितना होगा 125, ठीक है -1 होल स्क्वायर, अब क्या होगा 124 होल स्क्वायर। अब 124 की हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 124 × 124, 4 4 = 16, 1 आया, 4 2 = 8, 1 9, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 है एक साथ लिख देंगे सभी को 124, ये क्या आ जाएगा 6 8 + 9 17, 7 कैरी 1 लिया, 4 + 4 + 4 12 + 1 13, 3 1, 2 2 = 4 1 5, 4 1 एज इट इज, तो इसका आंसर आ गया 15 376 आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है वो सोल्व किया, -2 आया, -2 का क्या था स्क्वायर था, तो हमने किया दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4, 4 लिखा हमने प्लस 7, फिर ये ब्रैकेट सोल्व किया आया 11 × 2, फिर हमने किया 11 × 2 = 22 + 3 = 25 आया, फिर 25 5 = 125 -1 होल स्क्वायर 124 आया, 124 होल स्क्वायर मतलब है 124 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ गया 15 376। क्वेश्चन है 6 + 5 विद इन ब्रैकेट (3) -4 स्क्वायर, सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 6 + 5 11 × 3 - अब देखिए 4 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका मतलब है 4 × 4 मतलब 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, ये 16 लिख दिया। अब देखिए हमने इसका स्क्वायर कर लिया, इन दोनों को ऐड करके ये लिख लिया, जो बचा है वही लिख लिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 3 33 - 16
33 में से माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 17 होगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 + 3 ऑफ 3 / 3 ऑफ 3 × 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम करेंगे ऑफ, जिन दो के बीच में ऑफ है उन्हें सोल्व करेंगे। आप ऐसा ना करें कि 3 × 3 कर दें, या पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड कर दें, 3 / 3 है ना मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा ना करें। सबसे पहले जो जिनके बीच में ऑफ है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जो है उसको ऐसे उतार देंगे, 3 नीचे आ गया प्लस 3 ऑफ 3 का मतलब है 3 × 3, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 9 लिख देंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय थ्री, ये जो है हमारा 3 ऑफ 3, इसको भी साथ में अभी सोल्व कर लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 3 × 3, मतलब ये भी हो जाएगा 9, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा 9, फिर है × 3। अब क्या करेंगे, 3 नीचे आएगा एज इट इज़, आप 3 और 9 को ऐड ना करें क्योंकि 9 के साथ अभी क्या है डिवाइड है, तो बोर्ड मास में पहले डिवाइड करते हैं, तो हमने डिवाइड किया 9 / 9, तो ये आ जाएगा 1 × 3। फिर क्या करेंगे, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 + 3 = 3। अब देखिए 3 + 3 = 6, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है 7 + (5² + 3। अब देखिए पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है ऑर्डर, ये ऑर्डर में आते हैं सब, पावर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, ये सब आते हैं ऑर्डर में। तो आप पहले इसको भी सोल्व कर सकते हैं 5² को, या फिर एक तरफ से आप करते जाएं, लेकिन सबसे पहले आपको 5² ही ओपन करना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन आगे नहीं होगा। अब देखिए 6 आ जाएगा नीचे इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 टाइम्स, तो 5 × 5 = 25, तो 25 आ गया प्लस 3 25 × 6 = 150 आएगा। अब देखिए 7 + (within bracket) 25 × 6 = 150 + 3, अब क्या होगा 7 + (ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 150 + 3 = 153। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे 7 + 153, ये आ जाएगा 160 आंसर। क्वेश्चन है 3 + 4 / 1 (within bracket) + 3। देखिए सबसे पहले करेंगे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व, यहाँ पर क्या है 3 + 4 है, मतलब 3 + 4 = 7, 7 के ऊपर क्या है स्क्वायर -1 + 3, 7 का स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 7 का स्क्वायर होगा 49 - 1 + 3। अब देखिए 49 - 1 करेंगे ये आएगा 48 प्लस ऊपर से आ जाएगा 3, 48 + 3 ये हो जाएगा 51 आंसर, कैसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आप या तो यहाँ पर ही कर लेते 49 3 - 1 2 बचा इन दोनों का, 49 में 2 ऐड किया 51, कैसे भी कर सकते हैं आंसर आएगा 51।